हेलो धोनी भाई, प्रणाम, कैसे हो? ओए मैं बढ़िया, तूने कैसे याद किया? मुझे सब ठीक तो है, वहाँ ऐसे अचानक कॉल कर रहा है तू? हाँ धोनी भाई, सब मस्त है, आपका आशीर्वाद काम आ गया और एक सेंचुरी बना डाली मैंने। ये लोग रन मशीन कह रहे हैं मुझे, फिर से कसम से बढ़िया फील आ रही है आज। ओए हाँ हाँ, देखा था मैंने मैच, बढ़िया है। अब ना ऐसे ही खेलते रहना और सीरीज जीत कर ही आना, वरना पता है ना इंडिया वाले सर पर भी जल्दी बिठाते हैं और गिराते भी बड़ी जल्दी है। हाँ धोनी भाई बिल्कुल, अब की बार तो कॉन्फिडेंस आ गया वापस पूरी टीम में, बस एक दिन और बाकी है, जीत जाएंगे ये वाला टेस्ट मैच, ऐसे लगने लगा है। और ठीक है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वरना पता चले खुद की नजर लग जाए तुझे। और तेरे पांड्या ने अंग्रेजों की सही डांडिया उखाड़ ली, 5 विकेट ले गया, पर अब ना उसको बोलियो ध्यान से करेगा बॉलिंग, कहीं फिर से हार ना जाना। अरे धोनी भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, अनुष्का फिर से आ गई है यहाँ पर, मेरे साथ ही है, अब जो होगा अच्छा ही होगा, शी इज माई लकी चाम, आपको तो पता ही है। ओए उसके ना बहुत सारे मीम्स बनने लगे हैं, यहाँ सुई धागा वाली एक मूवी आ रही है उसकी, उसमें ना उसने कुछ ज्यादा ही दिल से कर दी एक्टिंग ऐसा लगता है। अरे हाँ भाई क्या कहूँ, जब से डिजिटल हुआ है ना सब कुछ ऐसी तैसी हो गई है हम लोगों की लाइफ की, हर बात पर मीम बना देते हैं, पहले शादी वाले मीम से परेशान था, अब ये सुई धागा वाले, क्या करूँ इन मीम्स बनाने वालों का। अरे कोई नहीं, स्टार प्लेयर होना आसान बात कोई है, ये सब झेलना पड़ता है भाई, मेरे तो बाल सफेद हो गए ये सब देख देख के, अब जाकर सुकून मिला थोड़ा। अच्छा धोनी भाई रखता हूँ, प्रैक्टिस पर जाना है, आप ना बस प्रे करते रहना कि हम जीत जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा, बाकी बीवी तो है ही मेरी यहाँ पर, आपको तो बताया मैंने। ओए अच्छा, ठीक है, अपना ध्यान ना मैच में लगा, इधर उधर की बातें ना सोच, और हाँ जीत कर ही आना। ठीक है धोनी भाई, रखता हूँ, भावुक कर दिया आपने बाय गॉड। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल जा और ध्यान ना फील्ड में लगाइयो, कहीं बीवी आ गई है ना तो घूमना फिरना ना शुरू कर दियो उसके साथ। नहीं धोनी भाई, देश सबसे पहले है मेरे लिए, बीवियों का क्या है, आती जाती रहती है। ओए तू स्वामी के साथ घूम रहा है क्या आजकल, उसके साथ ना ज्यादा बातें ना करा कर, तभी ये बीवियों वाली बातें कर रहा है कि आती जाती रहती है। हम ना एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी, याद है ना शाहरुख भाई का डायलॉग? क्या धोनी भाई, शाहरुख भाई के डायलॉग कसम से रट रखे हैं आपने, बिल्कुल रखता हूँ, वरना ना पूरी पिक्चर सुना दोगे आप तो। ओए अच्छा, बाय, ध्यान रखना अपना सब लोग। अच्छा दोस्तों, फिलहाल तो हमने अच्छा स्कोर कर दिया खड़ा इंग्लैंड के आगे, आपको क्या लगता है कि हम ये वाला टेस्ट मैच जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी अब तक इस मैच में।